भाई जब मेरा कोविड टेस्ट होने वाला है, मैं जम्मू बॉर्डर पे आ गया हूँ। से ढूंढ तो रिक्शा ही रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही है, तो उसी का वेट चल रहा है। गर्मी काफ़ी है, मुझे आज के दिन थोड़ा ज़्यादा गर्मी होने वाली है क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी वो भी एसी वाली नहीं मिल रही थी। सो गाइस, अभी एक्चुअली कोविड के चलते ये जगह बंद है। दिस इज़ बग्गे बाहू फोर्ट एंड जगह काफ़ी अच्छी है लेकिन अंदर वापस जा नहीं सकते। कोई बात नहीं, आप देख लो, बाहर से इतना ही है। साइड से व्यू दिखा देता हूँ आपको मैं। दिस इज़ द एंट्रेंस एंड मेरे रिक्वेस्ट पे खोला था, अदरवाइज बंद ही था। यहाँ पे बग्गे बाबू लिखा हुआ देख सकते हो, ये एंट्रेंस गेट है। महाराज हरी सिंह गार्डन, ऊपर पैलेस भी है एंड आई हैव टू वेट हियर मोर देन अराउंड 4 आवर्स, आई सपोज 3 और 4 आवर्स, बिकॉज श्रीनगर का जो रास्ता है फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। हर हफ्ते वो लोग कुछ काम करते, खड्डे वगैरह होते हैं वो ठीक करने का काम। तो जम्मू से लेट ही निकलना है, टैक्सी से रखी है मैंने एंड मेरे को फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर 1200 रुपये में ये कैब पड़ी है। इट इज़ अ शेयरिंग टैक्सी, टवेरा है, पर इट इज़ फाइन, मैनेजेबल है बिकॉज 1200 ही दे रहा हूँ मैं। वी आर गोइंग टू अच श्रीनगर। अभी आप ये पीछे का नज़ारा देख लो, ये रोड है वहाँ का पीछे। एक्चुअली हमारी जो टैक्सी थी उसके टायर का प्रॉब्लम आ गया, सीट गलत वाली ले ली थी, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मतलब राइट साइड की नहीं लेफ्ट साइड की विंडो सीट लेनी थी। एनी वेज जो टैक्सी थी मैंने बताया था वो टायर का प्रॉब्लम था, अभी जस्ट पंचर वाला मिला है। तो गाइस अभी हुआ ऐसा है ना कि उधमपुर बॉर्डर पे हम लोग की गाड़ी को आगे जाने नहीं दे रहे, वो सिंपल रीज़न कि आगे काम चल रहा है एंड पता नहीं कब जाने देंगे। 7:15 तो हो चुका है, शायद कल सुबह ही पहुँचे। अब तो ऐसा लग रहा है कि उधमपुर से श्रीनगर अराउंड 6 आवर्स है एंड जितना टाइम इधर ऐड होना है, आज अभी हो गया है 7:20, अप्रोक्सीमेटली रात के 2 या 3 बजे पहुँच सकते हैं ऐसा लग रहा है मुझे, अगर 2 घंटे इधर वेट करने को छोड़ दिया तो। हो गए 8 बज चुके हैं एंड अब तक हमें वो बॉर्डर से क्रॉसिंग अलाउड नहीं किया बिकॉज आज सिर्फ ट्रक्स जाने वाले हैं। मेरे साथ और लोग हैं तो टाइम पास हो रहा है अच्छा खासा। हो चुके हैं 8:40 एंड अब तक हमें छोड़ा नहीं है। 9:20 हो गए रात के। 9:20 हो गए। हाँ चलेंगे रोड पे, रोड चलेंगे हम पे, चलता रहेंगे आगे आगे। ये रात के करीब 10:40 हो चुके हैं, यहीं पे खड़े उधमपुर की जो चेक पोस्ट है वहाँ पे। ये रात के 1:05 हो गए हैं। ये रामबान है ना जगह का नाम, रामबान है ना। अब सुबह 6 बजे छोड़ेंगे या फिर ऐसा लग रहा है। सुबह 5 बज गए हैं एंड वी हैव कश्मीर पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हो पीछे गाड़ियों की लाइन लगी है एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा है। देखते हैं कितने बजे, कल सुबह 6 बजे से निकला था अमृतसर से, अब तक पहुंचा नहीं हूँ।
तो गाइस ये मेरे साथ जर्नी में साथ में थे और बहुत कुछ हेल्प भी की, हम लोग बात बात भी कर रहे थे, तो कंपनी भी मिल गई थी। और आफ्टर 24 आवर्स वी हैव फाइनली रीच्ड द टनल जिसके आगे कश्मीर आएगा, और करंटली हम लोग जम्मू में हैं और यहाँ से 2-2.5 घंटे की डिस्टेंस है, बाद में श्रीनगर भी आ जाएगा। तो बस वही है, मैंने कल जो आपको बताया था, जो रात को हालत हुई थी, फिर मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई थी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था, बट अभी फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ मैं। तो और पीछे का भी आप ज़रा व्यू देख लो, ठंडा भी काफ़ी हो चुका है यहाँ पे, कल गर्मी थी लेकिन यहाँ पे आज बहुत ठंडा है। साउथ कश्मीर।